बिजली बिल वसूली करने गए बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी पर निजी स्कूल संचालक ने हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। वहीं एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने पटवारी की मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर कुचल दिया। बिजली विभाग का आउटसोर्स कर्मचारी दिलीप कुमार शुक्ला अन्य बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ बकाया बिल वसूली करने गया हुआ था। इस दौरान स्नेहा पब्लिक स्कूल ग्राम लालपुर के संचालक ने बिजली बकाया बिल की राशि नहीं दी तो कनेक्शन काटने की बात आउटसोर्स कर्मचारी ने कही। यह सुनकर स्कूल के डायरेक्टर आग बबूला हो गए और उसने आउटसोर्स कर्मचारी पर हमला कर दिया। घटना के बाद सभी आउटसोर्स कर्मचारी अमरपाटन थाने पहुंच गए जहां घटना की शिकायत की गई। पुलिस ने आरोपी राजीव कांत द्विवेदी को पकड़ लिया है। मैं गया लालपुर वसूली करने के लिए, तो लालपुर जैसे पहुंचे राजीव कांत द्विवेदी के घर के पास, वहाँ पोल गड़ा हुआ था तो वो बाहर खड़े हुए थे, तो वो जो है हम लोगों को देख के दाई महतारी बहन बेटी की गाली देना चालू कर दी। इसके बाद हम लोग बोले कि पगला ना गरियाबा ना, तो ऊँ जऊन है नहीं रुके, तो फिर हम नीचे उतरन। हम कहें कि भाई बिल जमा कर दे, हम लोग मार्च मास दबाव में हैं और अगर बिल जमा ना करे तो कनेक्शन काटे पड़े। तो कहे कनेक्शन काटोगे और दौड़ के गा घर के अंदर और लाठी लेके आवा और हम लोग रोड में रहें, तो जगह दादा जैसे मुहारे के करिस तो जगह दादा लाठी पकड़ ली है। रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुरवा के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने पटवारी को जोरदार टक्कर मारते हुए घायल कर उसे कुचल दिया। उसने पटवारी शिव कुमार साकेत गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सिविल अस्पताल अमरपाटन ले जाया गया जहां डॉक्टर ने इलाज के बाद गंभीर घायल पटवारी शिव कुमार साकेत को संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर कर दिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।